जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन की प्रस्तुति संदर्भ अपने नियमित देखते आइल बानी। हरेक बीएफए के दिने हमनी के अपन भाषा भाषी में ई संदर्भ लेके आवेनी सन। 15 दिन में एक बेर आवेला ई संदर्भ भोजपुरी भाषा में होखी। अपन भाषा में हरेक विषय के राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक विषय में हमनी अपन मेहमान से अतिथि से छलफल करेनी सन। आज के हमनी के अतिथि बानी हमनी के डेनमार्क खातिर नेपाल के राजदूत हमनी के राजनीतिक विश्लेषक भी बानी विजयकांत कर्ण सर। वहाँ से हमनी के ई अभिन कोरोना महामारी के विषय में हमनी के समाज में पड़ रहल समस्या और व्यक्ति के जनजीवन में पड़ रहल समस्या के बारे में और विभिन्न राजनीतिक विषय में भी छलफल करे सन। सबसे पहले वहाँ के हमने स्वागत करल जाम सर अपने के स्वागत बाटे। अभिन जैसे हमने 6 महीना से देख रहा बानी सन कोरोना महामारी के कारण अभिन देश भी अस्त व्यस्त बाटे व्यक्ति के जनजीवन भी अस्त व्यस्त बाटे। तो इस बीच में हमने के जन अब समाज बाटे भोजपुरिया समाज बाटे उस समाज के अभी चरित्र कैसन बदलल बाटे इस 6 महीना के भीतर में। सबसे पहले तो 9 महीना हो गए जनवरी में मालूम भेल कि कोरोना बहुत भयावह रोग बा, लेकिन बहुत सारा देश खास करके नेपाल में भी एकरा के सीरियसली ना लेल गेल। और सबसे दुख के बात भेल पहिलका सबसे ज्यादा आक्रामक रूप से कोरोना के प्रभाव बीरगंज में पड़ल अभिन तक ले बा सबसे ज्यादा। तो भोजपुरी समाज के सबसे ज्यादा बेसी प्रभावित भेल, सबसे बेसी लोग के मृत्यु भेल बा बीरगंज में नेपाल में। इसे वो का भेल जे डर त्रास एगो बन गए लोग में सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से लोग में बहुत सारा प्रभाव पड़ गए। दोसर का भेल जे गरीब खास करके गरीब तबका के लोग जो गरीब बा जे रोज काम करता रिक्शा वाला ठेला वाला डेली मजदूर जे खेत में जाके काम करता इस सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। लोग का आर्थिक गतिविधि खास करके बीरगंज नेपाल के बहुत बड़का वाणिज्य और उद्योग के केंद्र हो उस सब बंद हो गए। ऐसे हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब बहुत सारा लोग इसे प्रभावित होकर और फिर जनजीवन में बहुत ही नकारात्मक सोच आत्महत्या ये सब बढ़ गई बा। वीरगंज में बहुत सारा आत्महत्या भइल बा, गाँव सब में भइल बा, हमारे गाँव में 2 गो आत्महत्या के केस 2 गो महिला के सुनाइल। ये सब बहुत सारा चीज ढंग के नकारात्मक विकास भेल। एकरा के रोके के कोनो प्रयत्न नियंत्रण करके एकरा के संभाले के जौन कहल जाला एकर कोनो प्रयास ना। जैसे कि सर जैसे सरकार अपन तरीका से सरकार के कहना में कि लॉकडाउन में कहले रहे सामाजिक दूरी बनाओ के भी कहले रहे ओकरा बावजूद भी बीरगंज में ही आक्रामक ढंग से ये रोग कैसे फैल गए लोग सचेत ना भई कि सबसे पहले लॉकडाउन एक समस्या का समाधान ना रहे। लॉकडाउन ठीक भइल उस समय में लॉकडाउन के समय में 3-4 गो काम बहुत महत्वपूर्ण रहे कल सरकार के पहलका लॉकडाउन पिन ड्रॉप साइलेंट। वो लॉकडाउन से पहले भी बीरगंज में बंद हो गए, बीरगंज पहले ही बंद हो गए सरकार के लॉकडाउन से पहले। तो लेकिन उस समय में जो तैयारी करके चाहते रहे पीसीआर मशीन डाले के चाहते रहे लेबोरेटरी विभिन्न जगह पर इस्टेब्लिश करके चाहते रहे ये कुछ ना भाई। लॉकडाउन में सरकारों सूत गए लोगों घर में जाकर सूत गए। सबसे बड़का दुख हो गए गरीब आदमी के भूखे मर लागल पर लोग निकल लागल सड़क। बीरगंज में गरीब बात का बजे बीरगंज के जनजीवन या भोजपुरी जो क्षेत्र बा या मधेश के जो क्षेत्र बा तराई मधेश के जनजीवन आर्थिक रूप से भारत से जुड़ल बा, सामाजिक रूप से जुड़ल बा, सांस्कृतिक रूप से जुड़ल बा। लोग के आन जान के बहुत सारा चीज ऐसा बा लोग के दवाई बीरगंज में कम से कम 2000-3000 लोग ऐसा बा जो रक्सौल से दवाई मांगा के पिए खाला बीमार आदमी ओकर दवाई आयल बंद हो गए ओकरा खातिर लोग व्यवस्था कैलक। लेकिन ऐसे देखल का भेल जे सरकार एकरा बारे में सोचलक ना जे रक्सौल से दवाई किने वाला लोग के का व्यवस्था हुई जे रिक्शा वाला बा ओकर का व्यवस्था है एकरा बारे में कोई ना सोच। जैसे सरकार के दावी बा कि हमनी के तो कहम सन कि हे लाख कर ओ लाख कर जनता के फर्ज बाटे कि ओ लाख करे के ना। सरकार गलत बात सरकार के काम सरकार तो कहियो ना करला। नेपाल में लेबोरेटरी ना रहे कोरोना के जनवरी में मालूम भेल जे हमनी यहाँ रोग आवा रहल बा आ जाए। सबसे पहले चीन से एक आदमी आयल यहाँ जकरा में कोरोना रहे, बाद में भारत से आयल
फ्रांस से आए, कोई यूएई से आए, बहुत जगह, बहुत सारा अरब कंट्री से मालूम बा रुआ के, जो रुआ देश के 30-40 लाख लोग बाहर रहता, वो लोग आई, वो लोग जाए, हाँ कि ना, उकर जीवन जुड़ल भाई सब बात जब मालूम रहे तो उकरा के सोच के बनाऊ चाहते रहे। जब मालूम भेल जे गए तो लेबोरेटरी ना रहे, पहलका कोरोना के टेस्ट हांगकांग में कराओ गए, यहाँ बाद में WHO को मशीन दिलक, अभिन तक ले जमा 16 गो कि 17 गो लेबोरेटरी स्टैब्लिश भेल बा। अभिन तक के मैं कम से कम 50,000 के दिन के दैनिक अगर टेस्ट भेल रहे तो समस्या ना हो। अब काठमांडू में दिन के 1,000 आदमी निकलता, कारो 900 समथिंग जैसे कि सर अभी इनको थी बात है कि लेकिन हम ये कहता नहीं, जब तक ले रोग आवता तो रोग के दू गो काम होगा, दवाई नहीं खे कर सब कोई के मालूम पर नहीं खे दवाई, दवाई नहीं खे तो कथी कथी कह जा सकता, लोग के कह देनी जो मुँह में जाबी लगा लो, जाबी ना कह जा जाबी तो जाबी लगा लो, तो जाबी लगा लो, जाबी जाबी किने खातिर लोग के 200 रुपया चाहिए, 50 रुपया चाहिए, गरीब आदमी के खाए के रोना रह रहा, कहाँ से 50-100 रुपया ले आई, वो ठेला वाला कहाँ से ले आई, वो रिक्शा वाला कहाँ से ले आई, होटल में काम करने वाला मजदूर कहाँ से ले आई, दिन भर किसान जो काम करता वो खाए के अले नहीं, तो सबका मुँह बंद हो गया, हाथ धोर साबुन से है। जैसे कि सर अभी जैसे कहाँ से साबुन ले तब ना धोई, हमारा तोरा लगे रहे तो साबुन से हाथ धोल शुरू कर दे, जर लगे खाएंगे नहीं कि साबुन की नहीं कि बात की चावल की नहीं। वही अभी वही बात होता है कि रोग से भी ज़्यादा भूख से लोग मरी हुआ के भी चर्चा हो रहा बा, लोग अपन बात रख रहा बा। हमारे कहना में कथी बात है कि जैसे अभी लॉकडाउन के समय से हटा के लोग अभी कहल कि लॉकडाउन एक समस्या के समाधान नहीं है, आर्थिक रूप में कमजोर हो रहा बानी सन, ओके चलते सर मतलब सरकार लॉकडाउन हटैलक, मने लोग अपन सचेत रहो के भी कहता, हर दफी दिन के दिन हमने के कम से कम 1,000 से कोरोना के संक्रमित बढ़ रहा बा। आ अभी ने जैसे कि 30 पर्व के भी समय आ रहा बा, हमने के दशहरा छठ दीपावली, तो ये बीच में जनता के कथी करे के पड़ी, अब जनजीवन के भी चलाव के पड़ल आ रोग से भी बचे के पड़ल, सरकार कथी करी आ जनता के कथी करे के पड़ी, दोनों गुला के फर्ज कथी सरकार के काम बाजी, पहले PCR टेस्ट घर घर पहुँचा, प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के एक एक आदमी के, दिन में अभी तक में शुरू में दिन के 200-400 से हो तो अभी 10,000 जनसंख्या अभी तक ले कितना लाख जमा पे, जनसंख्या 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग के, तो 2-4 वर्ष में टेस्ट होते रह जाए, कम से कम प्रत्येक जिला में लेबोरेटरी की स्टैब्लिश करे पड़ो, प्रत्येक गांव में जो जो गांव से प्रभावित बड़ा सन वो गांव में हेल्थ वर्कर के भेज के लोग के समझाओ पड़ो, जब ओकर के मास्क वितरण करे पड़ो, ओकर के हाथ धोए की तरह व्यवस्था करे पड़ो, ओकर के रोजगारी के व्यवस्था करे पड़ो, ओकर के खाए पिए के व्यवस्था करे पड़ो, जो सड़क में बा लोग ओकनी के खाए के व्यवस्था करे पड़े, ओकरा बाद में लोग का भी छठ आवता, दीपावली आवता, दशहरा आवता, और बहुत सारा पर्व भाई अब चलते रहे पर्व, पर्व से चले लाई देश एमे काम कम पर्व बेसी हो नहीं है, तो ये पर्व खतरा अब पहलका लेखा पर्व पहले से ना हो, अब दशहरा में 1,000 आदमी 100 आदमी के जमा करके ना हो, अब पर्व अपना घर में करें, छठ में वहीं नहीं अलगे रह के नदी के किनारे में पोखरी के किनारे में जहाँ जहाँ जाके अलगे बैठ के सामाजिक दूरी कायम करत, सबके पहले फिजिकल डिस्टेंस का बुझली कि ना, फिजिकल डिस्टेंस ओकरा बाद फिजिकल डिस्टेंस मतलब सब शारीरिक रूप से दूरी अलग अलग रह के बैठे के एक बात। अब धार्मिक सामान किने के बाद तो उस सामान किने के विधि बल्ले आके सामान के धोए के पड़ल, हाथ में सैनिटाइजर लगावे पड़ल, ओकरा बाद में उनका पहले जगह गंगा जल छिटात रहलक, अब सैनिटाइजर से उगे छिटे के पड़ी, सैनिटाइजर से भगवान जी भी बुझे ये बात, वही से कम चीज में ये पूजा पाठ के कम विधि करे पड़ल, ये खसी जन लाखों में कटात रहलक ओकरा कम करे पड़ल, दीपावली में अरबों के व्यापार होता ओकरों के कम करे पड़ल, ये सबके घटा के दीपावली 2 गो बार पहले 212 रख 2 गो बार विधि पहुँचा दे, ये सब कह के एने तो अपना के तनका सुरक्षित रख के, अगर एक ना सुरक्षित रखल जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव, नेपाल सरकार के नेपाली राज्य के क्षमता नहीं है, ओकरा लगे जो क्षमता अहिले नहीं के क्षमता, क्षमता बढ़ाव के कोनो काम नहीं के भइल, पढ़ल नर्सिंग में जो लोग बा गाँव घर के जो पढ़ल लिखल बा जो लोग बुझता वो लोग के गाँव में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता बा
ये लोग के सबके ट्रेनिंग दे के ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के एक जौन स्कूल कॉलेज में पढ़े वाला लड़का लड़की बड़ा सन ओकनियों के तन तन समझा के लोग के समझा पड़ी अपना घर में समझा पड़ी अपना माई बाप के समझा पड़ी बूढ़ा बूढ़ी के जी पूजा पाठ करके तो ये भी जरूरी कर। दोसर बात सरकार के क्या करे पड़ी जो नियंत्रित रूप से जो मार्केट बा इनमें जितना भावी प्राइस बढ़ रहा महंगी इतना ज़्यादा बढ़ गई बा अभी जो 100 रुपये में मिलता रहा वो 300 में मिलता एक कोनो नियंत्रण नहीं है सरकार ओकरा के नियंत्रण करे पड़ी। और दोसर बात जो सरकार भी सचेत रहो रेडियो टीवी और माध्यम सबसे गाँव पालिका बा उ लोग के समझाई गाँव के जो प्रतिनिधि लोग बा समझाई गाँव में जो शिक्षक बा स्वास्थ्य कार्यकर्ता बा सब लोग के गाँव के लोग के समझा पड़ी शहर में भी समझा पड़ी कि पहले लिखा दशहरा में बैठ के 25 आदमी बैठ के वो मैरिज खेल बंद करे पड़ी। इस सब मतलब हमारा ही कहना में इस सब चीज़ से एक और ही पाठ भी हो जाए इसे जे कम खर्च में भी काम हो सकता एगो लेसन हो जाए बिना काम के काम में गरीब लोग इसे प्रभावित होते रहल के यो एगो हो जाए। दोसर छठ में बड़का भारी पंडाल लगा के दशहरा में बहुत बड़का बड़का मूर्ति रख के हजारों आदमी लाखों आदमी दर्शन करावे के बीरजी बरवा के मेला लगल वहीं वहीं गौर में वहीं बीरगंज में वहीं क्या कह जाए गाँव में पोखरिया में अथी कथी बिंदवासिनी में जो गाँव सब सब मेला यहाँ से लेकर रात तक ले उन्हें इंडिया में मैंने टाढ़ो के उन्हें करिए तक जात्रा लगे मेला ओकरा के सबके नियंत्रण करे मेला अब ना हो अब कृत अगर मेला हुई तो बहुत लोग मरी। जैसे कि सर ये महामारी के कोरोना महामारी के दौर में हमने के सरकार के तैयारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बा वो भी सबके देख लेलक कितना भी खर्च कैलक अरबों रुपया खर्च कैले बा कहता मने ओकर कोनो रिजल्ट हमने नहीं देख सकत सन सरकार के कमी कमजोरी के तो अपने तंगा सूक्ष्म तरीका से देखा दी जनता के भी था को और जनता के भी अब के जो खान पान के बाटे अपन रहन सहन के बाटे व्यायाम के बाटे एक्सरसाइज के जो बात बाटे ओकरा खातिर जनता के कैसे सचेत होके के पड़ी आ अगाड़ी के जीवन जनजीवन कैसे बनाओ के पड़ी। एगो बात सबको ये बुझे पड़ी जो सरकार नाम के चीज जो बामें लुटेरा कुछ बेसी बा पेंडेमिक आ गए कोरोना ऐसा के कोनो दोसर है जो ओहू में लुट लेवे के बा एमें आए बात अरबों रुपया जेब में धल ओमनी कह के कंपनी में जाली फटा सब जमा होके मंत्री प्रधानमंत्री के सलाहकार होकर बेटा नाती पोता सब जमा होके कंपनी खोल के सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पैसा से लूट मचा दल सरकार के पैसा लूट मच गए जनता के एको पैसा ना मिल जनता के टेस्ट नहीं के होत 5-5, 6-6 हज़ार में टेस्ट कराव पड़ता लोग गरीब लोग टेस्ट नहीं के होत केकर टेस्ट होता हमारा तो अढ़ाई जन आदमी के टेस्ट हुई गाँव में खेत में काम करे वाला कोनो के टेस्ट नहीं के होत उस सब जन वहीं मर जाए उस श्योर ओकरा जो हो गए कोरोना तो अगर कोई ना हो ब्रह्मा बहुत से भी लम्हर बात बा जब कोरोना छोड़ के भी बहुत सारा लोग रोगी बा वो जब अस्पताल में जाता तो ओकर ट्रीटमेंट नहीं के होत हम कहे एगो पाटन अस्पताल में एगो बीमार आदमी के भेजे के डॉक्टर लोग लेबे ना फोन घुमात घुमात 6-7 घंटा भेला पर दूसर हॉस्पिटल ले बोल लेना गरीब आदमी जाइए सड़क मर जाए बीरगंज में 16 आदमी मर गए अस्पताल में इंट्री ना भैया से बहुत सारे लोग वही से सरकार के दायित्व बा जे आम जनता धनी मनी के व्यवस्था के तरह सरकार के ना कुछ करे पड़ी जे आदमी पहुँच वाला बा जरा लगे पैसा बा जे पहुँच वाला बा सरकारी कर्मचारी बा पुलिस में मिलिट्री में बा कुछ ना करे पड़ी सरकार के उ सब अपने खोज ली लेकिन करे के चाहिए रिक्शा वाला बा ठेला वाला बा गरीब आदमी बा ओकनी के तो कहूँ कोई नहीं खे ना ओकनी के पेट दुखा तो ओकर इलाज नहीं खे उ पेट के बीमारी से वह हॉस्पिटल के गाड़ी में लोग मर जाता तो सरकार इस समय कमी रोक दोसर बात का बोल बा सबसे बड़का ही कोरोना में कि राज्य षड्यंत्र के कुछ बिचौलिया कुछ दलाल सब ओकर प्रयोग करके ओके लूटे के राज्य के संपत्ति जनता के कर के संपत्ति लूटे के कार्यक्रम बन 12 अरब लोग कहता जे खर्चा भइल भइल कहाँ भइल जैसे कि अपने अभी तक के हिसाब कइल जाए 5 लाख लोग के तू टेस्ट नहीं कर कइले अभी तक ले आ ओकरा बाद में तू कहा है 10 हज़ार आदमी के रोज तू टेस्ट करता
में इतना ज्यादा लोग बीरगंज में पहले बेर में जब भल तो लोग के कहक छपकैया और नगवा में उकरा गांव के रोक के वो गांव के पूरा लोग के टेस्ट कर लग जा ना कैलक टेस्ट ना कैलक उका कैलक अथी कैलक रैपिड टेस्ट कैलक आरडीटी उसे कुछ ना भल लोग मर गए उकर के जिम्मेवारी लेता कौन बा जिम्मेवारी लेता लोग हमने ऐसा लोग कहे पहले सरकार के जे गलत काम बा पीसीआर टेस्ट करो रैपिड टेस्ट से ना हो तो सरकार सुनबे ना कोई स्वास्थ्य मंत्री गए जो मती सुन्न हो गए बा बुद्धिजीवी सन के दिमाग खराब हो गए बा लोग के लोग देखते नहीं कि हमने के कथी करता नहीं तो हमने के देखत रहनी है जो सरकार लुटत रह सरकार में बैठे लोग मंत्री लोग सचिव लोग सब पब्लिक में आ गए बा सब बात को नया जैसे कि जैसे सर अभी जैसे अभी संघीयता में बाटे देश में प्रदेश सरकार की भूमिका भी एगो होखेला केंद्र सरकार तो ना कैलक प्रदेश के सरकार के एगो अपन कर्तव्य बाटे कि अपन प्रदेश के जनता के कैसे स्वस्थ रख जा सकते आर्थिक रूप से वीरगंज के अस्पताल प्रदेश के अंडर में नहीं है डॉक्टर लोग सब भाई है केंद्र सरकार से सरुआ पड़ुआ होगा नियुक्ति होगा और के प्रदेश के बात मानी प्रदेश सरकार सब का कैलने बीच में लोकल स्थानीय सरकार के और अस्पताल सबके पैसा दिल दू नंबर में वीरगंज में बहुत पैसा आई बा सब अस्पताल सब में पोखरिया में और गांव गांव में पहुंचल पैसा लेकिन सवाल ही बाजू अस्पताल सर प्रदेश के अंडर में है ना नहीं क्या वो तो लोकल बॉडी में बा केंद्र सरकार देख वीरगंज अस्पताल के सरुआ बड़ुआ सब कर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ये सब प्रदेश के कोनो काम है नहीं कैसे कर देले तो प्रदेश सरकार जैसे संघीयता के अपनी प्रैक्टिस में भी बानी सा तो प्रदेश सरकार के अपन भूमिका के और भी बढ़ाव के खातिर क्या की भूमिका बड़ी भूमिका तो चाहिए ना तो प्रदेश में मोटा ये लोड़ा हो ये कौन सा नाम नहीं है तो ओकरा के जगह ही नहीं खेते ले हाथ पैर सब बांध ना तू कर्मचारी नियुक्ति कर सकता है ना तू टैक्स उठा सकता है और ना तू कुछ करे सब सरकारी ऑफिस अभी देख ले ओली जी के मंत्रालय में बा यहाँ केंद्र सरकार तो कथी कर हम कुछ दिन पहले तीन गो मुख्यमंत्री से बतिया रही वेबिनार में एक जने से टेलीफोन में पृथ्वी सुब्बा गुरुंग जी प्रदेश गंडकी प्रदेश के अब प्रदेश नंबर दो के मोहम्मद लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री जी से बात कर लिया रही और वो लोग कहे हमने के लिए कथी करे सर हमने के तीन तीन महीने में हमने के सचिव मुख्य सचिव सब सरुआ कर लोग इनके विदाई ये लोग स्वीकृत करते ना प्रशासन इन पास करता लोग ना तो प्रहरी इन पास करता लोग ना अस्पताल जिम्मा दिला वालो ना स्कूल देता लोग ना कॉलेज देता लोग तू कथी करी है सर तोरे जिम्मा में रहे तब न जिम्मा में जरा रहे वो करे तो वो जिम्मेवारी केंद्र सरकार के हो सब कुछ केंद्र सरकार के पास वो अपन का कर ले लोग अपन पैसा बटल दिल लोकल बॉडी के पी सी आर किल लोग जितना रहे पैसा वही में से बटल बालू कैले बालू प्रदेश में को दोसर नहीं के प्रदेश के हम वहाँ और गड़बड़ी सब बड़ा से नहीं मानता नहीं हम बहुत सारा भ्रष्टाचार बहुत सारा बात लेकिन इनमें प्रदेश के सबसे बड़का बात भाई स्वास्थ्य के संपूर्ण जिम्मेवारी केंद्र सरकार ले लगा आ केंद्र सरकार देवे के नहीं चाहत प्रदेश के तो फेडरलिज्म के नौटंकी हो रहा बस संघीयता के नहीं है आज वो अढ़ाई बरस हो गए अढ़ाई बरस में कहिया दे देवे के रहे सब चीज प्रदेश के जिम्मा लगाओ के चाहते रहे लेकिन लोग ना लगे लग जिम्मा वही से प्रदेश कुछ नहीं के कर सकल और अगर आम जनता के भी का करे के हुई अभी हमने का अपने मुंगे जगह कौन ही आई जो सब कोई के सचेत होके चाँद पर्व जो ना होता जो त्योहार सब आता सन जो दशहरा होता दीपावली होता मेथी का कहला सोरैया हुई हमने यहाँ मेथी छठ हुई ओकरा बाद में और पर्व सब हुई ये पर्व के पहलका लेखा ना अब बहुत कम ये सो तीज क्या भैल कहाँ होटल में जाकर नाच गान भैल सब रन हुए तमाशा वहीं गए दशहरा वहीं गए करे पड़े खुशी ना काटे के हुई पूजा करे के ना भगवान जी के काली माई के हो जाए काम चल जाए दीपावली में दू गो दिया बारने से हो जाए वहीं गए छठ में जाके हम तनक मन के ले जाके चढ़ा के गोड़ लगे तो हो जाए अब पहले लेखा एकदम पंडाल बना के काली के हमने यहाँ मधेश में बहुत ज्यादा बनेला हजारों पंडाल हम देख ले बनी बंद करे पड़ो ढंग के तमाशा बंद करना तो सब लोग बीमार हो जाए सब लोग मर जाए जैसे कि सर अब कथी बाटे जैसे कि अब दशहरा उशहरा दीपावली उपावली बीत जाता रहे तो ओकरा बाद में आर्थिक समस्या हमने विश्व ही आर्थिक समस्या से जूझ रहा बा कह के भी देख रहा बन नेपाल के भी अवस्था ओ इलाका बा खास करके हमने के मधेश के एगो जो जीवन स्तर तक कमजोर बाटे बेरोजगारी के समस्या बाटे
एकरा खातिर प्रदेश सरकार से कथी करे के परी, केन्द्र सरकार से कथी करे के परी, खुद वहाँ के जनता के अपना से कथी करे के परी? यहाँ सबसे बड़का बात हो गई जे एगो चीज बाचल बा कृषि क्षेत्र, उमें उतना ज्यादा प्रभाव नहीं के पड़ल। कृषक लोग बेचारे जाके खेती पाती कैले बा, वैसे खाए के मिलता। लेकिन रह गए उद्योग व्यापार कम्प्लीट बंद, स्कूल कॉलेज कम्प्लीट बंद, यातायात कम्प्लीट बंद हो गए, इस सब कुछ बंद। इससे बहुत बड़का प्रभाव, सर्विस इंडस्ट्री करीब करीब बंद हो गई। सर्विस इंडस्ट्री जोनों से यातायात सब कुछ बंद हो गई। तो इमें काम करे वाला लोग के सरकार के सब्सिडीज देवे के चाहिए, लोग के पैसा देवे के पड़ल। तमाशा कैले से ना हुई, भारत में दिलक हन 8 महीना से भारत सरकार, 8 महीना से भारत सरकार प्रत्येक आदमी के अकाउंट्स में 6,000 रुपया भेजत। जॉन बिलो पॉवर्टी लाइन था, गरीबी के रेखा के नीचे बा, ओकरा के देता 6,000 ऐसी महीना के। वही के नेपाल सरकार लोग के खाता खोल के पैसा रख के काठमांडू में लूट मचावे के जरूरत नहीं है, ओकर ड्रमो कैले के नहीं है जरूरत। चाउर बंटा तो नहीं है, पाव रोटी बांट के कुछ ना हो, वो प्रत्येक साल बढ़ावल हो बटाला खा जाला। ऊना तोरा देवे के बा, तोरा नाम से अकाउंट खोले के बा, ओकरा अकाउंट्स में पैसा डाल, बात खत्म। सीडीओ साहब के जाला पैसा, सीडीओ साहब आता जेबी में धरला, और गांव वाला भी प्रधान पर धरला, आतन में गांव में पहुंचा, आ ब्रेड आ चूरा बटा, उसे कुछ नहीं हुआ। जैसे कि अगर पैसा देवे के बा, सब्सिडीज बा सरकार के सीधे देवे के, पीसीआर टेस्ट बना प्रत्येक गांव में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ओकरा आदमी जेकरा में पीसीआर जेकरा हो जाता ओकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर, आइसोलेशन सेंटर बना, ओकरा आदमी कहल जाए जी ओकरा के क्वारंटाइन में रखे के व्यवस्था। यह तो सबसे बड़का बात ही भाई, जो लोग इंडिया से जाओ तो ओकरा के बॉर्डर में क्वारंटाइन में रहे 14 दिन कम से, विदेश से आओ तो ओकरा काठमांडू में क्वारंटाइन में रहे। प्रत्येक ही गाड़ी के ड्राइवर जो गाड़ी खुलल बा, बस खुलल बा, टाटा सुमो खुलल बा, ओकन के ड्राइवर सन के कम से कम 7 दिन में एक बार टेस्ट करे पड़ल। वो गरीब आदमी ड्राइवर कहाँ से ले आई 2,000 रुपया, ओकरा के सरकार फ्री में करे जे हम तीर सकते हैं तो हमारे पैसा लेके करो। लेकिन वो ड्राइवर और टाटा सुमो के खलासी, बस के ड्राइवर बस के खलासी कहाँ से करी? वो कहीं के टेस्ट कर, टेस्ट के मात्रा व्यापक बढ़ाव के, क्वारंटाइन बढ़ाव पड़ल, आइसोलेशन सेंटर करे पड़ल, ट्रेसिंग के रिकॉर्ड रखे पड़ल, ओकर जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ रेड लाइट रेड लाइन बढ़स कहाँ कहाँ हो सकता। जगह हमने यहाँ बॉर्डर बा खुला, अब बॉर्डर खुला पर क्या होता, लोग आ जाता लुका के, जब लुका के होता तो वहाँ के गांव में लोग के सचेतना बढ़ा पर ये लुका क्या होता, एक रो खजरा और जरूरी बा अब तोहरो खजरा। जैसे सर एगो अपने उतरा कहने कि आर्थिक मंदी से उठे खातिर कृषि क्षेत्र में सरकार के ध्यान जाए के जरूरी बाटे, जनता के बुझे जरूरी बा, कैसे कहला से कृषि के माध्यम से हमनी के अर्थतंत्र बना? सीधे सब्सिडीज डायरेक्ट छोड़ दो मार्केट में, ओकरा के पैसा दे दो, बात खत्म। ओकर उत्पादन के सरकार के बाजारीकरण दे पड़ल, मूल्य निर्धारण करे पड़ल सरकार किंदो के पड़ल। एक दूसरे को तरकारी बनाओ तो दादिन के आदमी चाहे बीरगंज में हमारा पोखरिया में, चाहे सिमरौन घर बाड़ा जिला में है, अच्छा कटरिया बाजार रहो तो हट में है कि ना, आ चाहे वहाँ का जो भैरवा में, चाहे वहाँ नौलपरासी में परासी बाजार में, तो वहाँ के लोग के तरकारी ले आता तो एक गोड़ा किसान से किन के एगो खरीदता, वो ले आकर दूसर के बेचता, वो ले आकर काठमांडू में काली मंडी के बाजार में एगो होलसेल वाला के बेचता, होलसेल वाला फिर दूसर के बेचता, आ ले जाके घर बिचौलिया के चलते बहुत 6 लेयर में 10 रुपया के कोभी काठमांडू आता 100 रुपया में बिका था, और किसान के 10 रुपया मिलता उमर गए। एकरा के मार्केट कहाँ व्यवस्था कर जा सकता, डायरेक्ट गांव में कोऑपरेटिव बना के वो किसान के तरकारी के आ सकता, चावल गेहूँ जो बिका था गेहूँ सब किने के सरकार के एगो प्राइस निर्धारण कर पड़ल, फर्टिलाइजर टाइम में देवे पड़ल। ये लोग के और जो सरकार कुछ देवे के चाहता किसान के तो सीधे अकाउंट्स खोल के पैसा देवे पड़े, नौटंकी के लिए कुछ ना फलना दिए चलना ना, हम किसान हई हम खेती करते नहीं, हमारे जमीन इतना बा गाँव में जाके वो हमारा नाम से खाता खोलक सब गांव में एग्री बैंक। सर हमने कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, सर हमने के विविध विषय में कार्यक्रम भी
गपशप कोई नहीं सन बहुत कही कही नहीं सन ई महामारी के विषय में भी आर्थिक अवस्था में भी राजनीतिक अवस्था में भी सामाजिक अवस्था में भी बात कही नहीं सन। अंत में जैसे अपने के कुछ कहे के बाद हमारे एगो सवाल अंत में बाटे छोटकरी में अपने जवाब दें कि अब जनता के जनजीवन सहज करे खातिर सरकार से तो काम करे के पड़ी जनता अपने सचेत होके के पड़ी अपने जो एगो सामाजिक अगुआ भी लोग भी बने लोग उन लोग के कैसे होके के पड़ी आ लोग कथी करता लोग। सबसे बड़का महत्वपूर्ण बा नेपाल के स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में बा। इस स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करे के पड़ल गाँव गाँव में हॉस्पिटल खोले के पड़ल ये मौका हो ये बहुत बड़का मौका मिलल बा नेपाल के सरकार के नेपाली जनता के जो हमने की इस समय में बहुत सारा डॉक्टर लोग बहुत सारा नर्स लोग ओकन के नौकरियों मिली आ काम करे के गाँव में सर्विस पहुँचा सब कोई के टेस्ट काठमांडू में सब कोई के टेस्ट बीरगंज में सब कोई के टेस्ट खाली गौर में आ लेबोरेटरी के रिपोर्ट खाली हो कथी ना हो जी यहाँ टेकू में इससे ना काम चले ये धंधा से काम नहीं चले यही उम्र जाए लोग ये लोग कह दो 300-400 मरल बा हमारा बुझा तो 5-10 हज़ार लोग यही उम्र गए पाएंगे पता नहीं खेत चलो ओकरा कोरोना रहेगी कथी रहे यही उम्र गए 5-10 हज़ार लोग बात खत्म हो गए लोग वहीं खत्म हो जाए यही मरे एकरा रोके खतरा जरूरी बा। अब एगो कोरोना आई फिर कोरोना जाए ना ये रही संग ही जाए वाला नहीं खेत रहे जल्द एकर वैक्सीन कितना नौटंकी होता आज भी हम सुन ले रही है अमेरिका के राष्ट्रपति के डिबेट अभी नहीं कोरोना के मेडिसिन क्यों गई मार्च से पहले नहीं क्या हो बहुत जल्दी में आ जाए तो फेब्रुअरी मार्च में लेकिन वो आ जाए हमने के गरीब देश से हमने के लिए कहेंगे आदि हम गोविंद ककरो से बात नहीं के पैल नेपाल सरकार ककरो से किने के एग्रीमेंट नहीं के पैल सब लोग करता है इंडिया के सबसे बेसिक वैक्सीन बनेला इंडिया इंडिया से एग्रीमेंट नहीं के बातचीत नहीं के पैल तो ई जरूरी बात। दूसर क्या बात जरूरी अस्पताल के कैपेसिटी बिल्ड करे पड़ल लेबोरेटरी बनावे पड़ल टेकू ऐसन ऐसन अस्पताल 75 गो कम से कम देश में बन सकता लूट जोन मतलब बा प्रदेश सरकार के दे दो स्थानीय गवर्नमेंट के दे दो अपने बना ले और बना के वहाँ डॉक्टर बैठा के टेस्ट के कैपेसिटी बढ़ाओ करना तो कोनो उपाय नहीं है एगे लोग मर जाए अब बहुत लोग मरी भाई जो तरीके से चलता एगे मरी अब टेस्ट नहीं खेल पहले कलर सरकार जो 18,000 के कह सकते 11-12 हज़ार से पहले कहियो ना बेसी टेस्ट के मात्रा बढ़ावे पड़ल अस्पताल के कैपेसिटी बिल्ड करे पड़ल पूरा स्वास्थ्य शिक्षा सब ले जाके प्रदेश के जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे सर अपने आज हमने के बहुत महत्वपूर्ण समय देनी अपने अभिन देखत रहनी है कार्यक्रम संदर्भ जो कि भोजपुरी भाषा में अपन भाषा में हमने ये अभिन बत कही करत रहनी है सन हमने के आज के अतिथि बानी रहनी है डेनमार्क के खातिर नेपाल के राजदूत पूर्व राजदूत हमने के विजयकांत कर्ण सर वहाँ से बहुत बढ़िया बात भइल अपने ये कार्यक्रम संदर्भ भोजपुरी में हर एक पाक्षिक रूप में हमने के बिफेक दिने अब अगला बिफेक दिने हमने के मैथिली में कार्यक्रम हुई ओकरा बाद में 15 दिन के बाद में हमने के भोजपुरी में ऐसन के बात कही सामाजिक परिवेश के बारे में साहित्यिक विषय के बारे में विभिन्न विषय में हमने लेके ऐसन कार्यक्रम उपस्थित होकेम सन। तब तक के खातिर जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें नमस्कार।